है समान अबू ने फिर से कोई हंगामा कर दिया होगा। वो क्या हो गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। वो छोटे बच्चे तो नहीं है, संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन जहरा बाजी मेरे लिए तो छोटे बच्चे ही हैं। सभा से पढ़ाई की बात की, डायरेक्ट मुझसे कर सकते थे क्या? अबू हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने आपको बता दिया? हाँ, उसने मुझसे बात की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे दूँ। माय डियर ब्रदर, पहली बात तो ये कि बच्चे अपनी बहन के घर गए नहीं, और अगर वो वहाँ गए भी होते हैं तो तुम कौन होते हो उसे पूछने वाले कि वो कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं? मेरा नाम भी शफकत है। तुम लाख झूठ पे पर्दा डालो, लेकिन मैं खोज लगा के रहूंगा कि असल हकीकत है क्या। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपने आप को अपने कमरे तक महदूद कर लो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी सूरत देखने का। अरे, आप तो बदतमीजी पे उतर आई है। क्योंकि तुमने भी तो बड़ी खूबी से अपनी तमीज का मुजाहरा किया है। देखें, मुझसे फजूल बातें बिल्कुल भी मत करें। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है मेरे साथ तमीज के दायरे में रह के बात करना। सब तैयार है? अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। जन्नत, आपकी ताखीर से आने की वजह से काम एक घंटा लेट स्टार्ट हुआ। आपको अंदाजा है कितना नुकसान हुआ और आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा होगा? I'm really sorry sir, लेकिन वो घर पे एक मसला हो गया था इसलिए। जब आप लोग घर से काम करने निकलते हैं ना, तो ये चीज प्लीज सोच लिया कीजिए कि घर और ऑफिस दो अलग अलग मामला है। जी सर, मैं तो टाइम पे ही उठी थी लेकिन घर पे कोई आया नहीं इसलिए। देखिए, कोई आया नहीं आया ये मेरा मसला नहीं है। यू हैव टू बी हियर ऑन टाइम। तो मैं अब्दुल्ला को किसके पास छोड़ कर आऊं? अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला मेरा बेटा है। पता नहीं खुद को क्या समझती, मैं कोई मरे जा रही थी कि बहू बनाकर मुझे जहन्नुम में ले आए। क्या हो गया, क्या मसला है? मसला मैं नहीं, आपकी माँ है। ऐसे मुझ पर चढ़ दौड़ी जैसे मैंने उनका कोई उधार देना हो। वैसे वाह भाई, खूब है ये, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कह रही हो तुम? आखिर ऐसा क्या कर दिया मम्मी ने जो तुम उन्हें चोर कह रही हो? मेरा सुकून चुराया है उन्होंने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा, तो वो कैसे? मकारी से आपकी और मेरी शादी करवाई। जब उन्हें पता था कि आप अपनी मंगेतर को नहीं भूल सकते, तो क्यों उन्होंने ये शादी जबरदस्ती करवाई? देखो, जो होना था वो हो चुका। अब एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम और मैं मियां बीवी हैं, और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो फिर जाके आप अपनी माँ को बता दें कि मैं अब यहां इस घर में नहीं रह सकती। जन्नत शादीशुदा है, पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी है कि घर से निकली है। मुझे इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। बच्चे को छोड़कर आना आसान नहीं,
शायद जन्नत का शौहर कुछ नहीं करता, इसलिए उसे निकलकर काम करना पड़ रहा है। पता नहीं उसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, कहीं वो दिल बर्दाश्त ना हो जाए और काम ही ना छोड़ दे। मिस जन्नत को मेरे रूम में भेजिएगा प्लीज। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या उम्र में गुलाब की? 8 माह का है वो। एक्चुअली घर पे जोरा बाजी और मेरी छोटी बहन आती है, वो उसे संभालते हैं तो मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आज वही नहीं आए तो मैं लेट हो गई। I'm sorry. नहीं, it's okay. Actually, मैं माजरा चाहता हूँ कि बगैर वजह जाने यहाँ पे बरस पड़ा। पर सर, आइंदा मैं कोशिश करूंगी कि मैं देर से नहीं आऊँ। It's okay. If you don't mind me asking, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या आपको इस तरह इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर काम पे आना पड़ता है? मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। I'm really sorry. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब्दुल्ला को पालने के लिए जॉब करना जरूरी था। और आपकी फैमिली? अम्मी और दादी भी उसी कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। दो छोटे बहन भाई हैं जो समान अबू के पास हैं। अपने वालिद को उनके नाम से पुकारती हैं? वो मेरे स्टेप फादर। वंस अगेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। It's okay, sir. आप जा सकते हैं। थैंक यू। कौन आ गया इस वक्त? शफकत, आप यहाँ क्यों आए? गया तो तुम्हारे घर था, मगर दरवाजा ना खुलने पर वापस जाने लगा तो जहन में आया तुम यहाँ हो, और वही हुआ, तुम यहाँ मिली। लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें डर होगा इनका? मैं किसी से नहीं डरता। शफकत, मैं डरती नहीं हूँ, बस लिहाज करती हूँ। लिहाज करना पड़ता है तो तुम करो लिहाज। तुम्हें किसने मना किया है? मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मैं डरता हूँ इन लोगों से। और बुजदिलो कहाँ छुपे हुए हो? महक, महक, जन्नत, साइम, अगर सुन रहे हो तो सुनो। बुजदिलो, वहीं जहां दबे हो दबे रहो और सुनो। प्यार करता हूं मैं जोरा से। आपकी प्यार भरी कहानी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। घर में सिर्फ अब्दुल्ला है और वो छोटा बच्चा है, उसे क्या? क्यों? महक और साइम नहीं है क्या? नहीं, वो तो नहीं आए। जन्नत तो होगी। इत्तेफाक से वो भी किसी काम से बाहर के। उसे क्या काम हो सकता है? उसने कहाँ जाना है? आप मुझसे मिलने आए हैं या इन लोगों के बारे में पूछने आए? क्या हो गया यार, किस तरह से सोच रही हो? तुमने बात की
बस बात चल पड़ी, जो मुंह में आया मैंने भी बोल दिया, तुम पता है ना मेरा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा मुझसे मिलने आए, मुझे तो लग रहा है इन लोगों के बारे में पूछने आए हैं। यार तुम्हें मेरे अलावा उनकी परवाह है? मेरी वो दोस्त है इसलिए उसकी परवाह करती है, लेकिन आपकी परवाह मुझे अच्छी नहीं लगती। सॉरी सॉरी। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है यही तो धूप में ख्वार कर रही है मुझे पूरे दिन। अच्छा अब जाए। जा रहा हूं, बस तुम्हें देखने आया था। जाए। तमीजी भी उसने की और अब नखरे भी वही दिखा रही है। कह दो उसे वो और औरतें होंगी जो बहुओं के दबाव में आकर दबक के बैठ जाती हैं। गजब खुदा का, इतने लाड से ब्याह कर लाई हूँ और वो मेरे ही सर पे कूद रही है। ऐसा क्या किया है मैंने? नहीं, मुझे लगता है कि वो हकीकत जान गई है। कौन सी हकीकत? सिला की मेरी जिंदगी में अहमियत के बारे में। अच्छा तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। बीवी के घुटने से क्या लगकर बैठ गए कि सारे जख्म दिखा दिए कि तकलीफ कहाँ होती है और खून रिश्ता कहाँ से? वही, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या उसे वही आई है? मुझे लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली। ये क्या गजब हो गया, अगर सदीकी भाई को पता चल गया तो हम तो गए काम से। बेटा तुम कुछ करो ना, उससे कहो जिद छोड़ दे। मेरे ख्याल से मम्मी उसका घर पे चले जाना ही ठीक है, कुछ दिन वहां रहेगी तो उसका मिजाज और तबीयत दोनों ठीक हो जाएगा। उसका घर जाना सब कुछ तबाह कर देगा। जाएगी तो वो जरूर। तो रोको ना उसे। नहीं, मैं नहीं रोक सकता। आपको जो करना है आप करें, मुझसे कुछ मत कहें। मैं जन्नत, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं सर, बस आती ही होगी। आधा घंटा हो गया आपको फैक्ट्री से निकले हुए, अभी तक तो नहीं आई। जी सर। और आएगी भी नहीं। शहर के हालात खराब हो गए, आइए प्लीज मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके सर। आइए बैठिए। तो मुझसे क्या शिकायत कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही तंबी की थी, मगर तुम किसी की कहां मानती हो? बस धुन सवार थी सिला का रास्ता रोकने की। उस मनुष्य सिला को तो आप बीच में ना लाएं तो बेहतर है। ये सारा फसाद उस मनुष्य लड़की का है, गर्क होके भी जान नहीं छोड़ रही। मुझे तो डर यह है कि यह बात हमारे घर से निकलकर सिद्दीकी साहब के घर जाएगी तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश नहीं है, हमने उन्हें धोखा दिया है। मैं पहले ही खौफजदा हूँ, आप मुझे और क्यों डरा रहे हैं? अरे मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें डराऊं? भाई अगर इतना ही डर है तो जाकर उससे बात कर लो, लड़की समझदार है, बात मान जाएगी। ताकि वो मेरे ऊपर शेर हो जाए। अगर वो तुम पर शेर होगी तो तुम भी उस पर शेर हो जाना, हिसाब बराबर। वैसे कभी कभी आप भी समझदारी की बातें कर लेते हैं। अरे भाई 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही ना।
देखो अहमद बेटा, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, वरना मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये अचानक से आप मेरी शादी के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो गई है? तुम्हें अपनी फिक्र हो ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, वरना तो तुम। अम्मी प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मुंह से ना निकाला करें, और फिलहाल मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। क्यों, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? अगर ऐसा हुआ तो आई प्रॉमिस सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखो बेटा, अपनी माँ से कोई बात मत छुपाना, तुम्हें जो पसंद होगी मैं वहां पे तुम्हारी शादी कर दूंगी। चले, वक्त आएगा तो शादी के चावल भी खाएंगे, फिलहाल ये दाल चावल एंजॉय करने थे, बहुत मजे के बनाए। डिलीशियस। वो है ही बदतमीजा, पता नहीं क्यों अब्बू ने उसको सर पे चढ़ा के रखा है। क्योंकि वो अब्बू की हर गलत काम में उनका साथ देता है। ऐसा मैं सॉरी सब आंटी, मैं जानता हूँ कि वो आपका भाई है, मगर वो बहुत ही अजीब और गरीब इंसान है। मुझे पता है, इसलिए तो तुम लोगों से कह रही हूँ कि बहुत होशियार रहा उससे, उसके कान में जरा भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम लोग जन्नत के घर जाते हो। आप फिक्र ना करो, साइन के वाके के बाद से हमें अच्छी तरह पता है कि उसके औकात क्या है। खामोखा में पुरानी बातें क्यों ला रही हो बीच में? अच्छा अब तुम लोग लड़ो मत। आज जन्नत की तरफ जाना नहीं हुआ। अच्छा अब इस बारे में तो तुम्हारे बाप के कान में भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो हम तीनों को इस घर से निकाल देंगे। आठ माह का है वो एक्चुअली घर पे जोरा बाजी और मेरी छोटी बहन आती है, वो उसे संभालते हैं तो मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आज वही नहीं आए तो मैं लेट हो गई। आई एम सॉरी। बस कहना कि मैं काम से बाहर जा रहा हूं। क्या बात है, है? हमें यूं पता लगे किधर की तैयारियां हैं? बात सुन भी सहनी, अब मैं तुझे हर बार बताऊंगा क्या है? जितना कह रहा हूं ना उतना कर, क्या समझा? ये क्या है? तुम्हारे मरहूम बाप की वसीयत। मेरे अब्बा जान की वसीयत? ये जो जमान उस जायदाद का मालिक बना बैठा है, दरहकीकत इस वसीयत के मुताबिक उस जायदाद की असल मालकन तुम और तुम्हारी बहन। जमान जब हम लोग निकल रहे थे तब मैंने चलते वक्त शफकत से पूछा था हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, तो यकीनन उसका कोई प्लान होगा ना हमारे जाने के बाद ये सब करने का। शफकत क्यों करेगा ये सब, क्या चुराएगा? अभी तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि आपने उसको ऐसी कौन सी बात बताई थी जिसकी तलाशी उसने ली है, और क्या चुराया है ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा।